नमस्कार, सुप्रभात। सकाळर समाचार सह मु सरिता साहू। समाचार मुख्यांशरे उदयपुरठारे आज आरंभ होउछि चारिदिनिया G20 शेरपा बैठक। जोग देउछन्ति 20 राष्ट्रर प्रतिनिधि। गुजरात विधानसभार द्वितीय तथा अंतिम पर्याय पई आसंता काली वोट ग्रहण। पद्मपुर उपनिर्वाचन पई आसंता काली हेबो मतदान। प्रस्तुति कार्य चूड़ांत। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को दुईदिनिया आंध्रप्रदेश गस्त। विशाखापट्टनम ठारे नौसेना दिवस कार्यक्रम हेबे सामिल। आंचलिक भेषज गवेषणा केन्द्रर कार्य समीक्षा कले केन्द्र स्वास्थ्य राष्ट्रमंत्री भारती प्रवीण पवार। मीरपुर ठारे आज भारत बांग्लादेश मध्ये प्रथम दिनिकिया मैच। एवं फिफा विश्वकप रे प्रथम दुई क्वार्टर फाइनल स्थान दखल कले नेदरलैंड्स एवं अर्जेंटीना। एथर संपूर्ण समाचार। आजिठारु राजस्थानर उदयपुरठारे चारिदिनिया G20 शेरपा बैठक आरंभ होउछि। भारतीय शेरपा अमिताभ कांत एही बैठकरे अध्यक्षता करिबे। शेरपा माने G20 नेतामानक व्यक्तिगत प्रतिनिधि रूपे कार्य करुछन्ति। सेमानक तत्वावधानरे G20 सदस्य राष्ट्रक मध्यरे जोगाजोग ओ अन्यान्य गुरुत्वपूर्ण कार्य सम्पादित होउछि। एही बैठकरे यूरोपीय संघ एवं विशेष आमंत्रित 9 राष्ट्रक समेत 19 राष्ट्रर शेरपा माने जोग देउछन्ति। शेरपा मानकर एही चारिदिनिया बैठक आसंता 7 तारिखर शेष हेब। एवं एक आंतर्जातिक पर्यटन स्थली रूपे उदयपुर प्रचार और प्रसार दिगरे बैठक विशेष सहायक हेब बोली कहुछि। निकटरे भारत G20 राष्ट्रगोष्ठीर अध्यक्ष पद ग्रहण करिछि। आमेरिका राष्ट्रपति जो बाइडेन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बंधु रूपे संबोधन कर G20 राष्ट्रगोष्ठीर अध्यक्ष रूपे भारत को सब प्रकार सहयोग करिवे बोली प्रतिश्रुति देइछंती। श्री बाइडेन कहिछंती जे भारत हेउछि आमेरिकार एक बड़ सहयोगी राष्ट्र। विभिन्न आंतर्जातिक प्रसंगे दुई देश मिलित भावे कार्य करि आसुछंती। विशेषकर जलवायु परिवर्तन, शक्ति और खाद्य संकट समय परस्पर हात मिलाई आगक चलिछंती। गत पहिलारे भारत G20 राष्ट्रगोष्ठीर अध्यक्ष पद ग्रहण करिबा परे परे श्री बाइडेन एभली मंतव्य देइछंती। गुजरात विधानसभा निर्वाचनर द्वितीय तथा अंतिम पर्याय मतदान आसंता काली अनुष्ठित हेबो। एथिपई गतकाली संध्यारे निर्वाचन प्रचार शेष होइछि। एहि पर्यायरे राज्यर 14 जिल्लार 93 आसनरे भोट ग्रहण कराजिबो। एथिपई 69 जन महिला प्रार्थीक समेत मोट 833 जन प्रार्थी प्रतिद्वंदिता करिछंती। आसंता कालीर मतदान पई समस्त प्रकार प्रस्तुति चूड़ांत होइथिबा निर्वाचन आयोगक सूत्ररु प्रकाश। आसंता 8 तारिख दिन भोट गणति सह फलाफल प्रकाश पाइबो। पद्मपुर विधानसभा आसन पई आसंता काली भोट ग्रहण अनुष्ठित हेबो। एथिलागि समस्त प्रस्तुति चूड़ांत होइछि। जिला प्रशासन पक्षरु प्रथमे सुरक्षा बंदोबस्त को कड़ाकड़ी करा जायछि। संवेदनशील बूथ अंचल रे अतिरिक्त पुलिस बल मुतयन करा जायछि। जिला प्रशासनर सूचना अनुजाई भोट ग्रहण बेले शांति श्रृंखला रक्षा पई 9 कंपनी केन्द्रीय सुरक्षा बाहिनी मुतयन करा जायछि। मुक्त अबाध और निरपेक्ष भोट ग्रहण पई जिल्लापाल एसपी एवं प्रशासन पक्षरु समस्तक सहयोग कामना करा जायछि। अवशिष्ट समाचार विरति परे। अन्याय जेतेबेले सीमा लंघन करिथाए ये कृष्ण होई प्रकट होइथाए। निस्वार्थ भावरे जन्मभूमि रो सेवा करे ये हेउछि सेई कुट्टयमर राजकुमार मालाबारर सिंह 85 राजा केरल वर्मा। आक्रमण 85 रो राजा कंपनी को नाकिदम करी रखिछि। ए युद्ध मु कंपनी पाई नुए मोर प्रजा मानक पाई लड़ीथिलि। किछि युद्ध खंडारे जीता हुए नहीं। जो लोक माने निजर देश पाई लड़ुछन्ति ना सेमानक उपरे माटी मार आशीर्वाद अछि। महाराज कंपनी साहेब आपन को बंदी करिवार आदेश देइछन्ति। तमोर राजा कोठी महल रहिला नि त कोन हला ये पूरा राज्य आपन कर जन को मारिब हजारे जन्म जड़ा नहीं एबे और केते जीवन जीव सही राक्षस मानन को आमे मना करि दबा आ नाही एबे आमे तांकर अत्याचार सहिबा।
नौसेना दिवस अवसर में विशाखापट्टनम ठारे आयोजित एक विशेष कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज जोगदेवे। सशस्त्र सेनार सर्वोच्च कमांडर भाव श्रीमती मुर्मू सेठे आयोजित नौसेना परेड में अभिवादन ग्रहण करेंगे। राष्ट्रपति श्रीमती मुर्मू आज सका दुईदिनिया आंध्रप्रदेश गस्तरे जाइछन्ति। विजयवाड़ा अंतराष्ट्रीय विमानबंदर में राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन श्रीमती मुर्मू को स्वागत करेंगे। यहपर राष्ट्रपति श्रीमती मुर्मू मुरली कन्वेंशन सेंटर ठारे राज्य सरकार पक्ष आयोजित एक नागरिक संवर्धना कार्यक्रम में जोगदेवे। यह अवसर में मुख्यमंत्री वाईएस जगमोहन रेड्डी राष्ट्रपति को संबर्धित करेंगे। यह कार्यक्रम पर राष्ट्रपति श्रीमती मुर्मू विशाखापट्टनम जाई सेठे आयोजित नौसेना दिवस कार्यक्रम में जोगदेवे। आसंता काली राष्ट्रपति तिरुपति ठारे वेंकटेश्वर स्वामी को दर्शन और पूजार्चना करेंगे। दिव्यांग मानक क्षमता अन्यमानक ठारू आद कम नुहे। उपयुक्त सुजोग और सुविधा मिलिले सेमाने निजर दक्षता प्रतिपादन करिपारिबे। एथिपाई केन्द्र सरकार सबु प्रकार पदक्षेप नेउछन्ति बोली राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू कहिछन्ति। गतकाली अंतर्जातीय दिव्यांग दिवस अवसर में राष्ट्रीय दिव्यांग पुरस्कार प्रदान करने अवसर में से कहिछन्ति जे सेमानंकु जनजीवनर मुख्य स्रोत में सामिल करिबा पई केवल सरकार नुहे समग्र देशवासी आगे आसिबा उचित। सेमानंकु घर भितरे और घर बाहर एक सुरक्षित वातावरण जोगाई दिया जिबा जरूरी। दिव्यांग दिवस समारोह रे राष्ट्रपति भिन्नक्षम दक्षता वृद्धि उल्लेखनीय कार्य करितिबा व्यक्ति विशेष संगठन संस्था राज्य और जिला गुड़ी को पुरस्कार प्रदान करितिले। कार्यक्रम रे केंद्र सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार एवं राष्ट्रमंत्री रामदास अठावाले उपस्थित थिले। दायित्व बनता है कि सभी दिव्यांगजन स्वतंत्र रूप से एक गरिमामय जीवन व्यतीत कर सके। सभी दिव्यांगजनों को अच्छी शिक्षा प्राप्त हो, ये अपने घर और समाज में सुरक्षित रहे, उन्हें अपना करियर चुनने की स्वतंत्रता हो, इक्वल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज हो, ये सुनिश्चित करना भी हमारा दायित्व है। वर्तमान विभिन्न सहर रे प्रदूषण वृद्धि पाइबार मुख्य कारण हैला आवर्जना। नव सृजन और नूतन प्रजुक्तिर प्रयोग माध्यम रे समस्यार समाधान संभव बोली केन्द्र परिवेश जंगल और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपिंदर यादव कहिछन्ति। भुवनेश्वर ठारे वायु संपर्कीय सुमंगल पंच महाभूत अंतर्जातीय सम्मेलन रे उद्बोधन दे से कहिछन्ति जे अत्याधुनिक ज्ञानकौशल माध्यम रे ए सब आवर्जनर पूर्ण प्रक्रियाकरण करा जाय पारुछि। युवगोष्ठीर सक्रिय सहयोग और सहरांचल योजना माध्यम रे ए समस्या संपूर्ण दूर होई पारिबो। 2015 प्यारिस सम्मेलन में भारत 2030 सुधा 175 गीगावाट अक्षय शक्ति उत्पादन करिबो घोषणा करितला। किंतु प्रधानमंत्री श्री मोदी को दृढ़ इच्छा शक्ति जोगु 2021 रे भारत एही लक्ष्य हासिल करितला बोली श्री यादव कहिछन्ति। एनर्जी के कारण अलग अलग गैसों का उत्सर्जन हो रहा है, एमिशन हो रहा है, और इसलिए पिछले 200 सालों में मनुष्य ने जितना एनर्जी का निर्माण किया है उससे उतना ही ज़्यादा कार्बन एमिशन किया है, और धरती का जो तापमान है वो पिछले 200 साल में जितना बड़ा है उतना हजारों साल में नहीं बढ़ा है, और उसी का परिणाम है जो अभी हमारे नौजवान साथी कह रहे हैं। हम वातावरण में परिवर्तन देख रहे हैं, हम समुद्री जलों का बढ़ता हुआ स्तर देख रहे हैं, हम अनेक अकाल और अनेक प्रकार की चीज़ें देख रहे हैं, और इसके कारण दुनिया 1972 में इकट्ठी हुई थी स्टॉकहोम में और ये तय किया कि दुनिया को क्लाइमेट चेंज के खिलाफ लड़ना चाहिए। वर्तमान जलवायु परिवर्तन और तापमात्रा वृद्धि विश्वव्यापी उद्वेग सृष्टि करिछि। एबेकार समाज व्यक्तिकेंद्रिक होइ पडुथबारु विश्वसह तार आजन्म संपर्क को भूली जाउछि। निज अंतरात्मा को संपूर्ण जाग्रत अवस्था रे रखि विश्वर हित पई प्रत्येक मनुष्य चिंता कले जलवायु समस्यार समाधान संभव होइ परिबो बोली राज्यपाल प्रोफेसर गणेशीलाल मतव्यक्त करिछन्ति। भुवनेश्वर ठारे आयोजित सुमंगलम पंच महाभूत अंतर्जातीय सम्मेलन रे उद्बोधन दे से कहिछन्ति जे पंच महाभूतर अन्यतम उपादान हेउछि वायु। वायु को प्रदूषण मुक्त करिबा केवल राष्ट्र बा राज्यर नै ता समस्तंकर दायित्व बोली राज्यपाल प्रकाश करिछन्ति। फ्रॉम द एनवायरनमेंट टू क्राइसिस, सो आई वाज वंडरिंग व्हाई स्पिरिचुअल गुरुज यू से सो लॉर्ड कृष्णा स्पीक्स भूमि रापो वनलो वायु कम्मन बुद्धि
अहंकार ही अन्य भिन्ना प्रकृति अच्छा एक सेपरेटेड मटेरियल एनर्जीज आर माइंड से ही का अर्थ एयर वाटर फायर माइंड ओडिशारे 6000 रु अधिक आयुष्मान स्वास्थ्य और सुधार केन्द्र कार्य करुछि। जनसाधारण को समस्त प्रकार स्वास्थ्य सेवा सुविधा जोगाई देबा निमन्ते एही सब केन्द्र उद्दिष्ट। राज्य सरकार आयुष्मान भारत योजना को आहुरी अधिक त्वरान्वित करबा को केन्द्र स्वास्थ्य राष्ट्रमंत्री डॉक्टर भारती पवार कहिछन्ती। गतकाली भुवनेश्वर ठारे एक स्वास्थ्य संपर्कित कार्यक्रम रे जोगदे डॉक्टर पावार कहिले जे कोरोना महामारी समय स्वास्थ्य सेवा एवं केन्द्र राज्य समन्वय सह कार्य करिबार एक अभिनव परंपरा सृष्टि होईछि। एहाकु आहुरी आगकु आगे नेबा आवश्यक बोली से मत पोषण करथिले। एक टेलीविजन चैनल पक्षरु एक कार्यक्रम आयोजित होईथिला। एथिरे विभिन्न वक्ता जोगदे स्वास्थ्य क्षेत्र रे सृष्टि होईथिवा आह्वान ओ ताहार निराकरण संपर्क रे आलोचना करथिले। अगर हम ये कर सकते हैं और हमने ये दिखा के भी वैक्सीन तो दिया ही, 100 से ज्यादा देशों को हमने वैक्सीन एक्सपोर्ट करा, 150 से ज्यादा देशों को हमने मेडिसिन भी दी। और आज जब हम ग्लोबल लेवल पे जाते हैं, हम बातें सुनते हैं, अन्य देशों की बेस्ट प्रैक्टिसेस सुनते हैं। केन्द्र स्वास्थ्य और राष्ट्रमंत्री डॉक्टर भारती प्रवीण पावार ओडिशा गस्तरे आसे विभिन्न कार्यक्रम रे जोग देइछंती। गतकाली संध्यारे डॉक्टर पावार भुवनेश्वर स्थित आंचलिक भेषज गवेषणा केन्द्र RMRC रो कार्य समीक्षा करथिले। कोविड महामारी समय अनुष्ठान कार्य को डॉक्टर पावार प्रशंसा करथिले। एही समीक्षा बैठक रे RMRC रो भुवनेश्वर रो निर्देशिका डॉक्टर संघमित्रा पति एवं वरिष्ठ वैज्ञानिक माने उपस्थित थिले। ग्लोबल लेवल पे, तो ग्लोबल लेवल पे जब हम जाते हैं और बोलते हैं और जब हम लोग प्रस्तुत करते हैं, जैसे संघमित्रा मैडम ने कहा कि आज समाचार शेष भाग विरती परे डिजिटल बैंकिंग रो अटे समय टाइम रो संचय डिजिटल बैंकिंग बहुत सुविधा करो पेमेंट न करी द्विधा केबे भी कोठे भी सेफ अटे फास्ट अटे प्रति पेमेंट आंगुठी रिसेट अटे देण नेण रो अछि ऑप्शन साहुरी IMPS NEFT UPI 24 घंटा करंती ए काम पेमेंट सहज औ दियंती आराम RBI कहे सचेतन होंतु सतर्क रहंतु पेमेंट फेल किंतु पैसा तो कटि गला गला मोर परिश्रम रो रोजगार भरणा होई जीव तारो चिंता करनी भाई मोर जदी डिजिटल ट्रांजैक्शन फेल हला किंतु अकाउंट रु पैसा कटि गला तो बैंक ठीक समय रे पैसा फेरेबो नचेत कंपनसेशन रो व्यवस्था अछि नहले RBI रो ओम्बड्समैन को पाखरे अभिजोग करंतु या बिल मोफिस RBI कहे सचेतन होंतु सतर्क रहंतु। मेक इन ओडिशा कनक्लेव गतकाली उद्यापित होईछि। 5 दिन धरि चालीथबा ई कनक्लेव रे शिल्प जगतर उद्योगपति माने अंश ग्रहण करथिले। सेमाने ओडिशा रे विपुल पूंजी विनियोग लागि मध्य प्रतिश्रुति देइछन्ती। शनिवार दिन अनेक वैश्विक अधिवेशन होईथिला एवं एथिरे उद्योगपति माने विभिन्न क्षेत्र रे पूंजी निवेश लागि घोषणा करिछन्ती। राज्य सरकार मध्य तांकर नुआ शिल्प संकल्प 2022 घोषणा करिछन्ती। एहा छडा विभिन्न क्षेत्र लागि पथ उन्मुक्त करिछन्ती। संस्कारमूलक पदक्षेप ଯୋଗୁଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ବ୍ୟାପକ ପୁଞ୍ଜିନିବେଶର ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ବୋଲି ବିଭିନ୍ନ ଦିବସରେ ରାଜ୍ୟର ଶାସନ ସଚିବମାନେ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। ଅନ୍ତିମ ଅଧିବେଶନରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ନିଜେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଶେଷରେ ବର୍ଣ୍ଣାଢ୍ୟ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରିବେଷିତ ହୋଇଥିଲା। Role model for citizen-centric governance model has set global benchmarks. Initiatives like Mor Sarkar and 5T Charter
ବାଂଲାଦେଶର ମିରପୁରଠାରେ ଆଜି ଭାରତ ଏବଂ ବାଂଲାଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ତିନି ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଦିନିକିଆ କ୍ରିକେଟ୍ ସିରିଜ୍ର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଦ୍ରୁତ ବୋଲର ମହମ୍ମଦ ସାମି ଆହତ କାରଣରୁ ତାଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ଉର୍ମାନ ମଲ୍ଲିକଙ୍କୁ ଭାରତୀୟ ଦଳରେ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି। ଏହି ସିରିଜ୍ର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦୁଇଟି ମ୍ୟାଚ୍ December 7 and 10 ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। କତରରେ ଚାଲିଥିବା ଫିଫା ଫୁଟବଲ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ପ୍ରଥମ ଦୁଇ ଦଳ ଭାବେ ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡସ୍ ଓ ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନା କ୍ୱାର୍ଟର ଫାଇନାଲକୁ ଉନ୍ନୀତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଗତକାଲି ଅନୁଷ୍ଠିତ ପ୍ରଥମ ଦୁଇ ନକ୍ଆଉଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡସ୍ ଆମେରିକାକୁ 3-1 ହରାଇଥିବା ବେଳେ ପୂର୍ବତନ ଚାମ୍ପିୟନ୍ ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନା ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବିପକ୍ଷରେ 2-1 ବିଜୟୀ ହୋଇଛି। ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନା ପକ୍ଷରୁ ଅଧିନାୟକ ଲିଓନେଲ୍ ମେସି 1 କରିଥିଲେ। ଏହା ତାଙ୍କ ପେସାଦାର ଖେଳାଳି ଜୀବନର 1000ତମ ମ୍ୟାଚ୍। ଆଜି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଥିବା ଦୁଇଟି ପ୍ରି କ୍ୱାର୍ଟର ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଫ୍ରାନ୍ସ ସହିତ ପୋଲାଣ୍ଡ ଏବଂ ଇଂଲଣ୍ଡ ସହିତ ସେନେଗାଲର ମୁକାବିଲା ହେବ। ଉଦୟପୁରଠାରେ ଆଜି ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଚାରିଦିନିଆ G20 ଶେର୍ପା ବୈଠକ। ଯୋଗ ଦେଉଛନ୍ତି 20 ରାଷ୍ଟ୍ରର ପ୍ରତିନିଧି। ଗୁଜରାଟ ବିଧାନସଭାର ଦ୍ୱିତୀୟ ତଥା ଅନ୍ତିମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଆସନ୍ତାକାଲି ଭୋଟ୍ ଗ୍ରହଣ। ପଦ୍ମପୁର ଉପନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଆସନ୍ତାକାଲି ହେବ ମତଦାନ। ପ୍ରସ୍ତୁତି କାର୍ଯ୍ୟ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କ ଦୁଇଦିନିଆ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଗସ୍ତ। ବିଶାଖାପାଟନମ୍ଠାରେ ନୌସେନା ଦିବସ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ହେବେ ସାମିଲ। ଆଞ୍ଚଳିକ ଭେଷଜ ଗବେଷଣା କେନ୍ଦ୍ରର କାର୍ଯ୍ୟ ସମୀକ୍ଷା କଲେ କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଭାରତୀ ପ୍ରବୀଣ ପୱାର। ମିରପୁରଠାରେ ଆଜି ଭାରତ ବାଂଲାଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ଦିନିକିଆ ମ୍ୟାଚ୍ ଏବଂ ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍ରେ ପ୍ରଥମ ଦୁଇ କ୍ୱାର୍ଟର ଫାଇନାଲ୍ ସ୍ଥାନ ଦଖଲ କଲେ ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡସ୍ ଏବଂ ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନା। ସକାଳର ସମାଚାରକୁ ଏଠି ଶେଷ କରୁଛୁ। ନମସ୍କାର।